श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555। जो है ग्रुपों में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एरिया ऐसे बात। मेरा नाम डॉक्टर सैयद हूँ। हम मशरूफ रहे, कुछ भी काम रहे अपने से, प्रोफेशन अपना काम निकालते हुए भी अपने घरदार को भी छोड़ के 10 मिनट का इसमें टाइम देना। 24 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है इसमें, हम लोग इस कमाने के लिए जुड़े नहीं है बेरोजगार, क्योंकि हम लोग कुछ अपने जेब से भी 10 रुपया खर्चा करके गरीब इंसान की मदद करने के लिए जो आजकल देखा गया है कि काफी बच्चे आपसे भी रिक्वेस्ट है पास करे हैं या 10 पास किए हैं, इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए अक्सर बच्चे ये शिकायत करते कि हम लोग पढ़ाई तो कर ली लेकिन हम हो सके आप लोग काम या मौके नहीं मिले आगे ले जाइए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एमआई इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होता है, शबीर अहमद साहब के साथ अगर हम जुड़े हैं तो एक बोर्ड मेंबर है, सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगार बच्चे सोनू सिंह साहब टेक्निकल कोर्सेज नेशनल लेवल के ओरिएंटेड कोर्सेज है वो प्रोवाइड करें, उनकी इज्जत को बरकरार रखते हुए ऑटोकैड HVAC प्लंबिंग बड़े लोगों की जो करते हुए बिल्डिंग सर्विसेज के नाम से जानी जाती है और बड़ा मान समझते हुए हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एक चीज है, स्टेट का चाहे प्रेसिडेंट हो लास्ट चाहे एक्टिव मेंबर हो, 2 वीक्स का प्रोग्राम कंडक्ट करें, सब एक एक कमेटी के मेंबर है और काफी मेंबरशिप स्टेट में अपने पोस्ट है, बेरोजगार कमेटी का एक मेंबर ही है, तो सबको ये काम करते हुए चलना है, अपना पोस्ट का वो भी 2 हफ्ता ऑफ एकेडमी ना करते हुए सबको ये सोच के चलना है कि हम मेंबर है हमें क्या करना है क्या नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के मदद करना, एक दूसरे से रब्ता करके आप लोग काम करिए। मैन हाउ टू कैच ए फिश इंस्टेड ऑफ गिविंग, और जितना हो सके अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बट आज राजेंद्र नगर में डिवीजन आ रहा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 200 मेंबर्स है अपने पास, बट किसी को कुछ भी जरूरत पड़ी तो आप लोग एक दूसरे का भी हेल्प करिए, खाना मत दीजिए बच्चों, ये नहीं कि हम तो लोगों की खिदमत तो करते हैं बच्चों के टाइम लगाइए, लेकिन साथ में अपना मकसद ये भी है कि अपने ही मेंबर एक दूसरे की भी हेल्प करें, बच्चों को प्रोवाइड अपने मेंबर्स में, जरूरी नहीं है कि कोई करोड़पति है तो कोई गरीब है, यही कोशिश की जा रही है। तो अगर कोई पैसे वाले हैं जो भी अगर कोई अपने पास गरीब मेंबर है आप आइए, हम आपको भी अपने साथ बिठा कर उसको खाना खिलाएं। PEC एजुकेशन अकेडमी हमारे तेलंगाना स्टेट के अनवर साहब, हम हमारी तरफ से जो तेलंगाना स्टेट वर्किंग चेयरमैन साहब है बिल्कुल आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, कुछ इनके भी इसी के साथ अल्फाज दे दीजिए अल्फाज। चलो लोअर बैठ तेलंगाना बड़े आप सामने बड़े पुल परवेज अली साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद। पूरा
एसोसिएशन सेक्रेटरी तेलंगाना की बेबी घर नवीन कुमार स्टेट तेलंगाना वाइस चेयरमैन सो ह्यूमन राइट्स अने चाला मंची असोसिएशन सो इंदे हेल्प ग्रूप मेंबर्स जॉइन चांस सो अंदुकने शिबिरा कल चेद्दामन इप्पटि जॉइन अय्यानु इप्पटि सेव चेयडम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु मैं सैयद शब्बीर अली मदनी नेशनल स्पोक पर्सन एंड नेशनल चेयरमैन आज एक यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था जो अवार्ड प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन के जानिब से सोनू सिंह सर की हिदायत पर आज एक छोटा प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया था जिसके जिम्मेदार हमारे अनवर साहब और शकील साहब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब स्टेट इंचार्ज और हमारे वाइस चेयरमैन साहब है जैसे कि यहाँ पे जितने भी कोर कमेटी है अपनी तेलंगाना स्टेट की कोर कमेटी की जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे ताकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीजन लेवल के मेंबर्स नहीं थे अपने पास जो ओनली फॉर स्टेट टीम यहाँ पे थी एक अपना मकसद ये है कि एक गरीब आवाम की मदद करना उनको हिम्मत अफजाई करना जैसा कि आप लोग सब जानते हैं आजकल गरीब इंसान गरीब ही रहता है अमीर अमीर ही रहता है तो हम गरीब होकर भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुने हैं कि आने वाले गरीब को भी हम एक हेल्प कर सके अगर कोई इंसान अगर डेली 500 रुपये अगर कमाता हो तो उसमें से अगर 10 रुपया निकालकर कोई गरीब की अगर हेल्प करेगा मदद करेगा तो उसका कुछ ज़ाया नहीं होगा बल्कि अपनी एक्टिविटीज़ को देखकर जैसा कि आज हम लोग हैं यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें देखकर कोई भी दूसरे भी लोग वो काम करेंगे आज अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं या किसी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या तो कुछ सोशल सर्विस कर रहे हैं जैसा कि फैमिली काउंसलिंग है हर चीज़ के ताल्लुक से आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारी जो टीम के मेंबर्स है तेलंगाना स्टेट के हर एक कोने कोने पर है और नेशनल लेवल पर भी 32 स्टेट में वर्किंग चल रहा है हमारा मोटो एक ही काम है कि गरीब इंसान अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग इसमें जुड़े हैं क्योंकि इसमें हमें और भी एक बात सीख लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमें कोई सैलरी कोई तनख्वाह कोई इनकम के लिए हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं हम लोग एक सिर्फ खिदमत खल के लिए काम कर रहे हैं और ये काम में जब हम लोग जुड़े हैं तो हमारा सब कुछ काम होने के बाद चाहे हम कितने भी मशरूफ रहे कुछ भी काम रहे अपने से अपना काम निकालते हुए भी अपने घरदार को भी छोड़ के 10 मिनट का इसमें टाइम देना पड़ता है